हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने जो YouTube परिवार है उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, सीटेट के बाल विकास की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 12 क्लास पढ़ा चुका हूँ। आज जो 13वीं क्लास है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे आयोग। वैसे तो आयोग बहुत सारे होते हैं जो सुपरटेट में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन लेके आता है, लेकिन सीटेट में मोस्टली पूछा जाता है। हम सीटेट में ऑल ओवर को नहीं पढ़ेंगे, जो आता है उसको पढ़ेंगे, लेकिन समझा पूरा देंगे। सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा, अगर पूछता भी है कि आयोग को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको ये बताना है कि अगर आपसे ये पूछे प्रकार कितने हैं, तो इसके दो प्रकार बताने हैं, दो भाग बताने हैं। पहला बताना आपको स्वतंत्रता से पूर्व, और दूसरा दोस्तों बताना आपको स्वतंत्रता के बाद। यानी आयोग जो हमारे बांटे गए हैं वो स्वतंत्रता से पूर्व भी बांटे गए और स्वतंत्रता के बाद भी बांटे गए हैं। यानी हम जो ऑल ओवर पढ़ेंगे, देखा जाए तो इन दोनों ऑल ओवर की बात करें हम, तो 1835 से लेकर 2020 तक जितने भी आयोग आए हमारे, मैकाले का ब्योड़पत्र, बुडका घोषणा पत्र, सैडलर आयोग, हाटंग समिति, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्ण आयोग, नई शिक्षा नीति, ये सारे जो हमें वो 1835 से 2020 तक आते हैं, लेकिन सीटेट में इन सारे नहीं आते, कुछ मोस्टली आते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे पहला आयोग कौन सा है और स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग कौन सा है, तो हमें ये बताना, स्वतंत्रता के पूर्व का सबसे पहला आयोग बताएगा तो आप बताना मैकाले का विवरण पत्र, मैकाले का विवरण पत्र वो कब आया था 1835 में। अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग कौन सा था, तो आपको बताना है राधा कृष्णन आयोग, से 49। अब अगर उसके जनक पूछेगा तो आपको ये बताने लॉर्ड मैकाले। इसके जनक पूछे तो आपको बताना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। समझे, आयोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। अब अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे पहला आयोग कौन सा है, तो आपको बताना मैकाले का विवरण पत्र कब आया, लॉर्ड मैकाले, यानी 1835। स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग कौन सा है, तो आपको बताना राधा कृष्ण, 1948-49। इसके जनक का डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिटेल में कौन कौन से होते हैं, तो हमें बताना 1835 से लेकर 2020 तक के जितने भी आयोग होते हैं वो सारे आयोग समितीय कहलाते हैं, लेकिन सीटेट में मोस्टली नहीं आते। अब सीटेट में कौन कौन से आते हैं उनको देखते हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अब सबसे पहले कौन सा आता है इनको हम देखते हैं। हम इस वाली वीडियो में सिर्फ सीटेट से संबंधित पढ़ेंगे, लेकिन जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जो सबसे पहले आता है वो हम पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का ये आया था दोस्तों 2 फरवरी 1835। अब आपसे ये पूछेगा इसके जनक कौन है, तो आपको इसके जनक बताने हैं दोस्तों लॉर्ड मैकाले। अब दोस्तों यहां पर जो मैकाले ने कहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सीटेट में कई बार पूछेगा, एक अच्छे यूरोपीय अलमारी का ज्ञान भारत और
अरब साहित्य के संपूर्ण ज्ञान के बराबर है। भारत और संपूर्ण अरब साहित्य के ज्ञान के बराबर, ये किसने कहा? लॉर्ड मैकाले ने। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों लॉर्ड मैकाले का, इन्होंने कहा था इनको भाषा समस्या का जनक कहा जाता है, जो सीटेट में हर बार पूछा जाता है। तीसरा जो पूछेगा दोस्तों, इनको अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन दिया इन्होंने। उसके बाद जो दोस्तों पूछेगा, भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण किया, भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक और दिया था, निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत। अब निस्संदन छनाई के सिद्धांत का अगर दोस्तों अर्थ पूछे तो आपको बताना, शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर जाए, अब ये जो मैंने लिखा है लॉर्ड मैकाले का लिखा है, लॉर्ड मैकाले का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है मैंने, अब समझना। लॉर्ड मैकाले कंपलसरी आपके लिए एक क्वेश्चन सीटेट में 100% लाएगा ही लाएगा। मैं यहां पर एक बात और लिख दे रहा हूं, 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बात यहां पर ये करते हैं कि अगर वो ये पूछेगा लॉर्ड मैकाले, मैकाले का विवरण पत्र कब आया, तो आपको बताना 2 फरवरी 1835 को आया। उसके बाद इसके जनक कौन है, तो मैंने लिखा है लॉर्ड मैकाले लिखा है। उसके बाद ये वाली जो परिभाषा मैंने लिखी है दोस्तों लॉर्ड मैकाले की, कि एक अच्छे यूरोपीय अलमारी का ज्ञान भारत और अरब साहित्य के संपूर्ण ज्ञान के बराबर, ये किसने कहा है? लॉर्ड मैकाले। और ये मोस्टली ज्यादातर पूछी गई है सीटेट में। उसके बाद ये तो पूछा ही जाता है। अब देखो यहां पर 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैं अभी यहां पर आपको बता दे रहा हूं। एक तो ये पूछेगा ये लॉर्ड मैकाले का है, एक इनके साथ में पूछता है भाषा विकास का सिद्धांत, तो आपको बताना है दोस्तों चॉम्स्की। इसके साथ में दोस्तों एक और पूछता त्रिभाषा सूत्र, जो त्रिभाषा सूत्र दोस्तों वो दिया था कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग जो दोस्तों वो आया था 1964 और 66 में, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यानी ये वाला क्वेश्चन और ये तो जो लिखे, ये तो मोस्टली आने ही आने कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, भाषा समस्या के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको लॉर्ड मैकाले लगाने। अब आपसे ये पूछेगा अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन किसने दिया, तो आपको लॉर्ड मैकाले लगाने। भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण किसने किया, तो आपको लॉर्ड मैकाले लगाने। अब सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि निस्संदन छनाई का सिद्धांत किसने दिया, लॉर्ड मैकाले। अगर आपसे ये पूछे निस्संदन छनाई का सिद्धांत के अर्थ क्या है, तो हमें बताना शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर। इन्होंने ये कहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 1600 ईस्वी में, मैकाले को 1800 ईस्वी में लाया गया और उनसे ये कहा गया था आपको भारतीय लोगों को शिक्षित करना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी सीखने वाले लोगों की जरूरत पड़ रही थी। तो मैकाले ने सोचा कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, मैं इतनी बड़ी जनसंख्या, और इनको 1 साल में 1 लाख रुपये दिया गया था जिससे आप भारतीय लोगों को शिक्षित कर, तो मैकाले ने सोचा इतनी बड़ी जनसंख्या को 1 साल के लिए 1 लाख रुपये तो कम पड़ जाएगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं छनाई छनचन निस्पंदन निस्संदन बातें किए, क्यों ना मैं शिक्षा उच्च वर्ग को दूँ, जैसे कैशियर हुआ, क्लर्क हुआ और बहुत सारे हुए, मैनेजर हुआ, सचिव हुआ, उनको दूँ, उनके अंदर में जो कार्य कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो इस वजह से वो कौन सा सिद्धांत लेके, निस्संदन या छनाई का सिद्धांत लेके, और जिसका शाब्दिक अर्थ शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की हो जाए। यानी मैकाले 100% एक क्वेश्चन लेके आएगा, नोट कर लिया अपने। अब आगे चलते हैं दूसरा।
अब उसके बाद दोस्तों दूसरा आता हमारा बुध का, घोषणा पत्र। यह आया था 1854 में। अब इसके दोस्तों जनक की बात करें हम तो इसके जनक हैं दोस्तों चार्ल्स वुड। अब दोस्तों इसको एक तो शिक्षा का महाधिकार पत्र बोलते हैं, दूसरा दोस्तों इसको शिक्षा का महाशिलालेख पत्र बोलते हैं, नेक्स्ट आएगा दोस्तों शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं दोस्तों इसको, और एक रहा इसको बुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में इन्होंने क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की। अब यहां पर जब भी इससे पूछेगा बुध के घोषणा पत्र से तो आपको ये पूछेगा कब आया 1854 में, जनक कौन है, चार्ल्स वुड है, इसको कौन सा पत्र कहता है। एक तो शिक्षा का महाशिलालेख पत्र कहेंगे, शिक्षा का महाधिकार पत्र कहेंगे, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहेंगे, या बुध डिस्पैच के नाम से भी जनक। क्रमबद्ध विद्यालय क्या होता है, आंगनबाड़ी से लेकर और हायर सेकेंडरी तक यानी उच्च स्तर शिक्षा तक जो भी विद्यालय की स्थापना की वो क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना कहलाती है। लेकिन यहां से 100% सुपर टेट में दोनों बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि महाशिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं, शिक्षा का महाशिलालेख पत्र किसे कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आपको बुध का घोषणा पत्र लगाना है। नोट कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं। अब जस्ट उसके बाद आता है हर टांग समिति, हरटंग समिति कब आई थी दोस्तों तो 1927-29। अब दोस्तों इसके जनक पूछे आपसे तो आपको बताने सर फिलिप हरटंग। लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है कि जो हरटंग समिति है वो किस शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। लेकिन दोस्तों इसने दो महान कार्य किए हैं, एक तो इसने दिया है अपव्यय एक तो दोस्तों इसने दिया अपव्यय और दूसरा दिया दोस्तों इसने अवरोधन। अब अपव्यय का शब्द अर्थ क्या होता है समझेंगे दोस्तों। अपव्यय का शब्द अर्थ होता है फिजूल खर्ची, अब फिजूल खर्ची क्या होता है, जब एक बालक प्राथमिक शिक्षा को पूरे किए बिना
बीच में ही किताबें यूनिफॉर्म को जूते लेकर बीच में ही घर पर बैठ जाता है। उसको क्या नाम दिया गया हमने? अपव्यय। अवरोधन का क्या शब्द अर्थ होता है दोस्तों? अवरोधन का शब्द अर्थ होता है रुकावट। जब एक बालक किसी क्लास में बार बार फेल होता रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अवरोधन। अब इसका क्वेश्चन कई तरीके से पुटअप हो रहा है। अब आपसे ये पूछे कि अपव्यय और अवरोधन किस शिक्षा से संबंधित है, तो आपको बताना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अब आपसे ये पूछे कि हरटंग समिति कब आई, तो आपको बताना 1927 और 29 में आई। अब आपसे ये पूछे इसके जनक कौन है, तो आपको बताना सर फिलिप हरटंग है। अब सर फिलिप हरटंग या हरटंग समिति किस शिक्षा से संबंधित है, तो आपको ये बताना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। लेकिन इसने दो महान कार्य किए हैं, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों फिजूल खर्ची, जो मैंने अभी आपको बताया है, और अवरोधन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों रुकावट। अगर वो ऐसे नहीं दे रहा तो ये वाला स्टेटमेंट बना के देगा कि जब एक बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना, यानी जो भी हमें पूरा यूनिफॉर्म मिलता, बॉक्स मिलते, किताबें मिलती, जो कुछ मिलता, सूज जो भी मिलते हैं, उनको लेकर बीच में ही अपने घर बैठ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है, यानी फालतू का खर्चा हुआ। अगर उसकी जगह हम किसी और बच्चे को ये वाले पूरे सामग्री प्रयोग कराते या देत प्रदान करते हैं, तो वो पूरी शिक्षा करता। अवरोधन का शब्द करते क्या होता है? रुकावट होता है। जब एक बालक किसी क्लास में बार बार फेल हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो रुकावट आ रही है, तो कौन सा कहलाएगा? अवरोधन। अब आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा, अपव्यय और अवरोधन किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। अपव्यय और अवरोधन किस समिति ने दिया? हरटंग समिति ने। हरटंग समिति किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। हरटंग समिति कब आई? सर 1927-29। इसके जनक कौन है? सर फिलिप हरटंग। अपव्यय का शब्द अर्थ क्या है? फिजूल खर्ची। अवरोधन का शब्द अर्थ क्या? रुकावट। है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है दोस्तों वर्धा योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्धा योजना दोस्तों आई तो 1937 में, इस वाली हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे ये पूछेगा कि इसके जनक कौन है, तो आपको इसके जनक बताने हैं महात्मा गांधी। अब इस वर्धा योजना को कितने नामों से जाना था? देखो, एक तो तालीम शिक्षा, दूसरा आएगा बुनियादी शिक्षा, तीसरा पूछेगा वो हस्तशिल्प शिक्षा, नेक्स्ट वो पूछेगा व्यावसायिक शिक्षा, एक और पूछेगा क्रिया प्रधान शिक्षा, और लास्ट में आपसे पूछेगा
प्राथमिक शिक्षा यानी इतने नामों से किसको जाना था, वर्धा योजना को। लेकिन अगर वो ये पूछे वर्धा योजना किससे संबंधित है, तो आपको बतानी है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है, इधर देखेंगे हम, इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने ये बोला था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो। दूसरा दोस्तों, इन्होंने एक और बात बोली थी, इन्होंने 3R और 4H पर बल दिया, जो हर बार पूछा गया है। 3R बराबर क्या होता है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमैटिक। फोर एच के बराबर क्या होता है दोस्तों, एक होता है हेड, एक होता है हैंड, एक होता है हर्ट और एक होता है हेल्थ। अब जो 3R है वो कई शिफ्ट में मोस्टली पूछा गया है। इसका मीन्स होता है पढ़ना, इसका मीन्स होता लिखना और इसका मीन्स होता गणितीय करना। अगर आपसे ये पूछे पढ़ना लिखना गणितीय संक्रिया किसने बोला, तो महात्मा गांधी ने बोला है। अब उसके बाद दोस्तों एक और आता है, इन्होंने ये बात बोली थी, बेसिक समय चक्र का प्रतिपादन किया, बेसिक समय चक्र विभाजन दिया एक और बात यहां पर आती है, बेसिक समय चक्र विभाजन का अगर ये कुल समय बात करें तो आपको बताना 6 घंटे। अगर आपसे ये पूछे शिक्षण समय कितना है, तो आपको बताना 5 घंटा 30 मिनट। और ये जो बताया दोस्तों, बताया इन्होंने एक दिन का, किसको बताया। अब इसको समझे, देखो वर्धा योजना कब आई है, 1937 में ये जनक कौन है, महात्मा गांधी हैं। अब इस वाली वर्धा योजना को तालीम शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यानी इनमें से कोई सा एक नाम आए तो बात किसकी हो रही है, वर्धा योजना। वर्धा योजना के जनक कौन है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी वर्धा योजना कब लाएगा, 1937 में। लेकिन अब यहां पर जो राइट टू एजुकेशन 2009 आपने देखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा 1900 अनिवार्य कर दिया गया, जो वर्तमान है 3 से 18 वर्ष हो चुके नई शिक्षा नीति 2020 में, तो सबसे पहले इन्होंने बोला था। लेकिन लागू वो बाद में हुई थी 86 में। अब ये वाला जो मैंने आपको दोस्तों लिखा है 3R, ये सीटेट में मोस्टली पूछा जा रहा है। 4H, 3R बराबर क्या होता है कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। 4H बराबर क्या होता है, हेड, हैंड, हर्ट और हेल्थ। अब आपसे उसने हिंदी में पूछा है कि पढ़ना लिखना और एक छात्र गणितीय संक्रिया करना सीखना चाहता है तो इस पर बल किसने दिया, तो आपको बताना वर्धा योजना ने। लेकिन आपसे ये पूछे बेसिक समय चक्र विभाजन किसने दिया, तो गांधी जी, आपको बताना महात्मा गांधी। कौन बताने, महात्मा गांधी। अगर ये ना पूछे बेसिक समय चक्र विभाजन कब आया, तो आपको ये बता देना 1937 में। कौन लेकर आया। अब बात यहां पर होती है कि बेसिक समय चक्र विभाजन का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक दिन में शिक्षण कार्य कितना होना चाहिए और स्कूल कितने घंटे खुलना चाहिए। अगर वो पूछे कुल समय कितना है, तो 6 घंटे बताना है, कितने दिन का, एक दिन का।
अगर ये पूछे एक दिन में शिक्षण समय कितना होता है या शिक्षण कार्य कितना होता है, तो 5.5 घंटे होता है, आधा घंटे का लंच होता है, इंटरवल होता है। अगर कुल समय पूछे तो हमें कितना बताना है, 6 घंटे। अगर शिक्षण समय पूछे तो कितना बताना है, 5 घंटा 30 मिनट बताना। और ये सब किसने बताया, वर्धा योजना ने। नोट कर लिया, साफ कर दे। अब उसके जस्ट बाद आता है दोस्तों कोठारी आयोग। कोठारी आयोग बड़ा इंपोर्टेंट है। ये आया था दोस्तों 1964 और 66 में। अब इसका दोस्तों दूसरा नाम होता है शिक्षा आयोग। अब इसके जनक की बात अगर आपसे वो करता है, तो आपको बताना डीएस कोठारी, यानी दौलत सिंह कोठारी, लेकिन इन्होंने एक परिभाषा दी थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था दौलत सिंह कोठारी ने, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यानी अभी जो मैं मैकाले का आपके पढ़ा चुका हूं, मैकाले ने यह कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय अलमारी के ज्ञान भारत और अवसाद के संपूर्ण ज्ञान के बराबर है, लेकिन कोठारी आयोग ने यह कहा कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है। तो उसे 3 क्वेश्चन पट भंग, और उसने पूछा कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है, किसने कहा, कोठारी आयोग ने। कोठारी ने शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग ने 1964 और 66। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि यह संबंधित किससे है, तो आपको बताना संपूर्ण शिक्षा से संबंधित है। अब सबसे बात क्वेश्चन यहाँ पर पुट ये होता है कि इन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा संरचना दी, सबसे पहली शिक्षा संरचना, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली शिक्षा संरचना थी दोस्तों 10+2+3। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने त्रिभाषा सूत्र को लागू किया, त्रिभाषा सूत्र दिया इन्होंने, और त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सा होता है, एक होगा हमारा मातृभाषा, दूसरा होगा प्रादेशिक भाषा, और तीसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक बोला था, इनके 2 सूत्र हैं, इन्होंने एक सूत्र ये दिया था शिक्षा व राष्ट्रीय विकास, और समान कार्य समान वेतन। अब यहां पर अगर यह पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति का सुझाव किसने दिया, तो अगर आपसे यह पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति रखने का सुझाव दिया,
सुझाव दिया। अब स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति कौन कौन सी है जो NEP है स्वतंत्र भारत की, तो NEP पहली दोस्तों आई थी 1968 में, दूसरी दोस्तों NEP आई थी 1986 में, और तीसरी जो दोस्तों आई है NEP वो आई है 2020 में। एक और आई थी इसमें डॉक्टर वो जनार्दन रेड्डी वाली जो इन्होंने मानी नहीं है। अगर आपसे 1968 वाली के जनक पूछे तो आपको बताने दोस्तों इंदिरा गांधी, इस वाली के पूछे तो आपको बताने राजीव गांधी, और इस वाली के पूछे तो आपको बताने डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अब जो मैंने लिखा है कोठारी एक्ट को समझना, थोड़ा कोठारी एक्ट से क्वेश्चन कंपल्सरी बनेगा। अगर ये पूछे कोठारी एक्ट का दूसरा नाम क्या है तो शिक्षा आयोग है, शिक्षा आयोग कोठारी का है 1964 और 66, इसके जनक कौन है DS कोठारी, और DS कोठारी का पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी जो यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। अब DS कोठारी की एक परिभाषा है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है, ये किसने कहा है कोठारी आयोग ने, दौलत सिंह ने कहा है। अब अगर आपसे ये पूछे कोठारी किस शिक्षा से संबंधित तो आपको बताना संपूर्ण शिक्षा से, लेकिन आपसे ये पूछेगा स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति किसने दी तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कोठारी आयोग ने दी, और कौन सी 10+2+3, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया है, नया नाम हो गया 5+3+3+4, लेकिन वो ये पूछे ये किसने दिया तो आपको बताना डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अगर ये पूछे कब आई है तो 2020 में, कब आई है 2020 में। दोबारा सुने, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी है 10+2+3, लेकिन नया नाम इसका क्या गया 5+3+3+4, ये किसने दिया डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने, ये कब आई 2020 में। अगर ये पूछे ये वाली शिक्षा नीति कब आई थी तो आपको बताना 1964 और 66। अब उसके बाद ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने पहली बार जो मैकाले का वेड़ पत्र पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था कि तीन क्वेश्चन पुटअप करेगा, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, भाषा समस्या के जनक कौन माने जाते हैं, और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया। तो मैंने ये बताया था भाषा समस्या के जनक लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं, त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग ने दिया था, और भाषा विकास का चौमस्की ने दिया था। अब त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी आती है, एक तो मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा आएगी, दूसरी प्रादेशिक भाषा आएगी, और तीसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा आएगी। अब दो चीज़ और बात करी इन्होंने कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, यानी हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो दो चीज़ होना चाहिए, एक तो हमारे पूरे राष्ट्र का पूरे इंडिया का विकास हो, और दूसरी बात शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाए, यानी हम अगर 1 रुपया खर्च करें तो 1 रुपया उसमें से 50 पैसे या 40 पैसे शिक्षा पर जाए, बाकी 50% अदर किसी राज्यों में जाए। समान कार्य समान वेतन की बात इन्होंने की कि कोई भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसे समान वेतन दिया जाए, ऐसा नहीं कि इंजीनियर को ज़्यादा दिया जा रहा है, साइंटिस्ट को ज़्यादा दिया जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय टीचर कम दिया जा रहा है, यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वेतन दिया जाए। अगर आपसे पूछे कि समान कार्य समान वेतन पर कार्य बल किसने दिया, कोठारी आयोग ने। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर बल किसने दिया, कोठारी आयोग ने। अब ये पूछेगा स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति को सुझाव, यानी इन्होंने ये कहा था कि भाई भारत में NEP तो लेके आओ, तो सबसे पहले सुझाव किसने दिया, कोठारी आयोग ने। और सबसे पहली शिक्षा नीति लागू कब की गई थी तो 1968 में, कौन लेके आया था इंदिरा गांधी, फिर उसके जस्ट बाद 1986 में आई थी राजीव गांधी, अब जो वर्तमान में अभी जो आई है 2020 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, जिन्होंने इसको बदल कर क्या कर दिया 10+2+3 को 5+3+3+4 कर दिया। नोट कर लिया, हो गया, आगे चलते हैं, हो गया। अब जस्ट उसके बाद आती है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब दोस्तों इसके जो जनक हैं वो हैं राजीव गांधी। अब समझना ये, देखो राजीव गांधी ने कहा था कि जब भारत
21वीं सदी में प्रवेश करेगा तो उसकी मुख्य आधारशिला शिक्षा होगी। इन्होंने ये कहा था कि जब हम 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे तो उसको हम सबसे ज्यादा बल किस पे देंगे, मतलब शिक्षा पे देंगे। सबसे ज्यादा जो भी खर्चा करना पड़ेगा हमें किस पे करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किया देखो, सबसे मेन कार्य तो इन्होंने यहां पर यह किया है कि सबसे पहले अगर हम इसके कार्य की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कार्य क्या किए थे, डाइट की स्थापना की, यानी प्रत्येक जिले में इन्होंने डाइट की स्थापना की 1987 में। अब डाइट की जो स्थापना की, अगर आपसे ये पूछे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी फुलफॉर्म देख लेते थे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों, जो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है सेवा पूर्व और सेवा कालीन अध्यापकों को प्रशिक्षण देना। अगर आपसे ये पूछे, अब ये जो भी पहला कार्य उन्होंने डाइट की स्थापना कौन से सन में की है, 1987 में, के फुलफॉर्म क्या है इसके, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो 68500 में फुलफॉर्म पूछी गई थी कि डाइट की फुलफॉर्म लिखी है। अब उद्देश्य पूछे तो सेवा पूर्व सेवाकालीन अध्यापकों को प्रशिक्षण देने, आपसे एक और बात पूछी जाती है अध्यापक कितने प्रकार का होता है, तो आपको दो प्रकार का बताना, सेवा पूर्व सेवाकालीन। अब उसके जस्ट बाद हम बात करते हैं दूसरा जो इन्होंने महान कार्य किया था, दूसरा वो किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है दोस्तों स्थापित किया था, तो इन्होंने स्थापित किया है 1987 में, लेकिन इस ये जो संबंधित है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और अगर आपसे ये पूछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। शिक्षण सामग्री कौन कौन सी होती है, जैसे चौक हुआ, डस्टर हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सब जो प्रभाव कराएगा वो कौन लेके आएगा। लेकिन सबसे मेन बात इसकी ये होती है दोस्तों कि इसके पहलू और हैं। अब इसके पहलू की बात करेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के पहलू की, तो तीन पहलू हैं। पहलू कौन कौन से देखो समझेंगे, पहला दो बड़े बड़े कमरे हवादार एवं प्रकाश युक्त, यानी दो बड़े बड़े कमरे हवादार एवं प्रकाश युक्त। दूसरे पहलू की बात करेंगे दो शिक्षक जिसमें
एक महिला होगी और एक पुरुष, तीसरे की बात करेंगे दोस्तों, गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था। अब पहला पहलू उसने डैड की स्थापना की थी, दूसरा पहलू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना, और तीसरा जो पहलू है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, तीसरा पहलू यहां पर लिख दे रहे हैं, नवोदय विद्यालय की स्थापना। नवोदय विद्यालय की स्थापना उन्होंने कब की थी, 1987 में की थी, और इसको बोलते हैं NVS, नवोदय विद्यालय संगठन। अब नवोदय विद्यालय लाने का मेन उद्देश्य क्या था, आपको यह बताना है, मुख्य उद्देश्य आपसे यह पूछेगा सीटेट में, इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपको यह बताना है, ये लाए गए थे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। एक तो कुछ ऑप्शन ही आएगा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, और एक आएगा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। ये पूरा NEP 1986 लिखा हुआ, समझे थोड़ा इसको, मैं पूरा समझा रहा हूं। अब जो मैंने ये लिखा है सीटेट में, कंपलसरी आपको दो क्वेश्चन 100% लिख के आएगा, मैं लिख भी दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा मैंने यहां पर, 100% सीटेट में आते ही आते हैं दो क्वेश्चन। अब समझेंगे कैसे, अगर वो ये पूछता है जो मैंने नई शिक्षा नीति आपको ये पढ़ा दी, कितनी आई स्वतंत्र भारत की, 3 आई है, 1968, 1986 और 2020। अब 1968 तो मोस्टली इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा 1986 और 2020, और 2020 की वीडियो में पहले ही शूट कर चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। अब 1986 के अगर पूछे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हम बोलते हैं NEP फुल फॉर्म पूछे देखेगा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो कब आई है, तो आपको ये बताना 1986 में आई, और इसके जनक कौन है तो आपको बताना है राजीव गांधी है। लेकिन राजीव गांधी ने एक मानकर ये कहते हैं कि जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश करेगा तो उसकी मुख्य आधारशिला क्या होगी, शिक्षा होगी। हम सबसे ज्यादा जिस पर भी खर्च करेंगे वो क्या होगी, हमारी शिक्षा होगी। लेकिन अगर वर्तमान भारत को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बल है और सबसे ज्यादा शिक्षा की जो देन है वो राजीव गांधी की देन। इन्होंने 3 महान कार्य किए थे, देखो सबसे पहले इन्होंने किसकी स्थापना की है तो हमें बतानी है, डाइट की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की है, डाइट की स्थापना की, और डाइट की स्थापना कौन सी सन में की है, 1987 में की है। लेकिन इसकी फुल फॉर्म पूछिए, देखो डाइट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ये जो सब है वो सिर्फ राजीव गांधी के दिन है। ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जिसने सबसे ज्यादा बल शिक्षा पर दिया हो। डाइट की स्थापना पूछा कौन सी सन में हुई है, 1987 में हुई। फुल फॉर्म पूछा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये जो डाइट की फुल फॉर्म है 68,500 वाला जो पहला सुपर टेट हुआ तो उसमें पूछी गई थी, एक NCTE की पूछी गई। अब इसका मेन उद्देश्य आपसे ये पूछेगा कि सेवा पूर्व सेवाकालीन अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, यानी जब भी कोई व्यक्ति BTC या BED करता है तो BTC वाले तो वहीं पर जाते हैं, लेकिन जो हमारे टेट के प्रमाण पत्र होते हैं जैसे UP TET का हुआ, रीट का हुआ, जो कि अपने अलग अलग होते हैं, तो सेवा पूर्व सेवाकालीन अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, ये डैट का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा इन्होंने किया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेट सीटेट सुपर से। अब आपसे ये पूछेगा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब लेके आए, तो 1987 में आया था, और ये संबंधित किससे है तो आपको बताना प्राथमिक शिक्षा से, यानी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस सन में आया था, 87 में। स्थापना किसने की, राजीव गांधी, राजीव गांधी की शिक्षा नीति कब आई, 1986 में। लेकिन ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड लाए किसके लिए थे, मेन उद्देश्य वो ये होता कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, तो इसका मेन उद्देश्य था तो प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उनमें शिक्षण सामग्री, चौक हुआ, डस्टर हुआ, फर्नीचर हुआ, लाइट हुई, पंखा हुआ, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, जो ब्लैकबोर्ड जो होता है, ये सब जो भी व्यवस्था करने के लिए किसको लाया गया। अब आपसे ये पूछिए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए किसको लाया गया, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। ये कब आया, 1987 में। लेकिन मेन बात इसकी होती है इसके पहलू कितने,
सीटेट में ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा है उसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का पहलू नहीं है, तो तीन पहलू मैंने लिखे। इन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी विद्यालय की स्थापना करेंगे तो उसमें दो बड़े बड़े कमरे होने चाहिए और हवादार प्रकाशित हुए, यानी जहां पर भी हम विद्यालय बनाए उसमें दो कमरे बड़े बड़े हो और एक बरामदा हो, लेकिन उसमें हवा भी आती रहे, प्रकाश भी, ऐसा ना बिल्कुल गुफा बना दे। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि दो शिक्षक हो जिसमें कंपलसरी एक महिला है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा डील करने के लिए स्त्री बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब बच्चा रो रहा है तो एक महिला बहुत अच्छे से डील कर सकती है पुरुष के पीछा। इन्होंने ये कहा था गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग वॉशरूम की व्यवस्था की जाए। उसके जस्ट बाद इन्होंने तीसरा जो महान कार्य किया था वो किया था नवोदय विद्यालय। अब नवोदय विद्यालय जो आया था वो आया था 1987 में, लेकिन इसका मेन कार्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली, अब राजीव गांधी ने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में टैलेंट तो बहुत है लेकिन पैसा इतना नहीं है, तो उन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की। एक एग्जाम होगा, एग्जाम के थ्रू बच्चा उसमें पास करता है तो बच्चे का एडमिशन होगा 1 से लेकर 12 तक, बच्चे का रहना खाना पीना बुक्स सब कुछ सरकार फोन करेगी। लेकिन अगर वर्तमान में इसको देखें तो ये भी पैसे में चला, इनमें उन बच्चों के एडमिशन होते हैं जो पहले से जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन राजीव गांधी के समय से जब स्टार्ट हुए थे तो जो बच्चा इसका एग्जाम पास करता था उसके बाद उसका एडमिशन होता था, तो 1 से लेकर 12 तक बच्चे को फ्री ऑफ शिक्षा दी जाती है, रहना खाना पीना एकदम बहुत अच्छी जो CBSE बोर्ड के माध्यम से दी जाती थी। ये कौन है हमारी NEP 1986, नोट कर लिया आप लोगों ने, साफ कर दें। इसके बाद एक दोस्तों आता है, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना दोस्तों आया था 15 अगस्त 1995, लेकिन इसकी भी एक कहानी बड़े इंटरेस्टेड है। अगर वो ये पूछे मिड डे मील की शुरुआत कब हुई है तो शुरुआत आपको दोस्तों बतानी है 1948 में, और 1948 में जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, कौन थे शिक्षा मंत्री पहले स्वतंत्र भारत के, सर्वपल्ली, हाँ स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है नहीं पता, ये हमारे स्टूडेंट बैठे हुए इनको ये भी नहीं पता स्वतंत्र भारत के, वैसे ये टीचर का भविष्य बनने जा रहे हैं। जब हम अपनी क्लास वीडियो शूट करते हैं तो बच्चों को भी बैठा लेते हैं, अब इनसे हम ये पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो एक तो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता रहे हैं, ये देश का भविष्य है, देखो इनको दिखाएं आपको लोगों को, इनको एक दिन मिलाएंगे इन लोगों से आपको, कौन है देश के पहले शिक्षा मंत्री, बड़ी दूर दूर से सुबह सुबह आ जाते हैं कि सर हम भी पढ़ेंगे सीटेट हम भी पास करेंगे, हाँ कौन है पहले शिक्षा मंत्री, देखो ये देश का भविष्य आप लोग देख रहे हैं इनकी बात को, मिलवाएंगे कभी दिन इनसे। देखो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसे भी भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, लेकिन अगर पीछे का देखा जाए तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम को बनाया गया, लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अब इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले रात्रिकालीन विद्यालय की शुरुआत की, किसकी के रात्रिकालीन विद्यालय की शुरुआत की, इसका मेन उद्देश्य यह था इन्होंने ये कहा था कि जब कोई व्यक्ति को इतना पढ़ा दिया जाए जिससे वो किसी पेपर पर साइन करे या अपने किसानों खेत में दवा लगाए तो पढ़ तो ले, तो इन्होंने ये रात्रिकालीन विद्यालय की शुरुआत की और उन बच्चों व्यक्तियों को अवगत कराया कि आप हमारे यहाँ पर शाम को पूरे दिन काम करते, शाम को आइए पढ़िए और फिर उसके बाद हम आपको पढ़ने लिखना सिखाएंगे। तो कुछ व्यक्ति चले भी गए लेकिन फिर जाके उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे हम थक जाते, तो फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये सोचा कि व्यक्तियों को कुछ लालच दिया, लालच बहुत बुरी वाला होती है, तो इन्होंने ये कहा था कि शाम का खाना हम आपको अपने यहाँ से खिलाएंगे, यानी आप पूरे दिन काम करिए नहा धो के फ्रेश होके आइए, शाम का खाना हमारे यहां पर आप खाइए आप और फिर पढ़िए। तो 2-4 दिन बच्चे व्यक्ति गए भी पढ़े, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे हम थक जाते हैं। तो सबसे पहले 1948 में मिड डे मील की शुरुआत हो गई, जस्ट उसके बाद 15 अगस्त 1995 में सरकार ने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल गिरावट हो रही है, यानी छात्र नामांकन संख्या नहीं आ रही, बालकों का एडमिशन ही नहीं हो रहा, तो फिर इन्होंने 15 अगस्त 1995 से एक नई स्कीम योजना लागू की कि महीने की प्रत्येक 1 तारीख को बच्चे को 3 किलो गेहूं दिया जाए करेंगे, कितने गेहूं, 3 किलो गेहूं,
यानी 3 किलो गेहूं, 3 किलो गेहूं दिया जाकर जिससे बच्चा लालच बुरा हो आकर तो लाला बच्चा आया करेगा, लेकिन बच्चा भी बड़ा अच्छा लगता। वो 25 तारीख से स्टार्ट होता था, 5 तारीख तक जाता था और जैसे 3 किलो गेहूं लिए फिर वो गायब हो जाता था। तो इसको देखते अगर आपसे ये पूछे मिड डे मील कब आया, तो 15 अगस्त 1995 को आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, जो सीटेट में पूछा जा रहा है वो आपसे ये पूछेगा मुख्य उद्देश्य क्या है इसका। तो दोस्तों आपको ये बताना है, छात्रों की नामांकन संख्या में वृद्धि, वो नामांकन की जगह दोस्तों दाखिला भी दे सकता है कि दाखिला में वृद्धि, तो बात एक ही है। लेकिन जब ये काम होने लगा तो सरकार को और बहुत थोड़ा इफेक्ट भी ज्यादा नहीं पड़ा, फिर इन्होंने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, इसका नाम बदल कर दिया पका भोजन। अब पका भोजन दोस्तों कब आया, 2004 में आया। अब बालक 3 किलो गेहूं लेके घर चला जाए फिर बिल्कुल ही ना पढ़ने आए, तो सरकार बड़ी परेशान, चूंकि सरकार राजीव गांधी पूर्ण रूप से शिक्षा पर बल दे रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा था क्यों ना हम इसका नाम पका भोजन कर दिया जाए। और बच्चे को जो 3 किलो गेहूं दिए जा रहे हैं, जो उसका एक बायोडाटा आपने देखा स्कूलों में बिल्कुल एकदम पोषण योजना बनी हुई है, क्या मंडे को खिचड़ी मिलेगी, ट्यूजडे को ये मिलेगा, थर्सडे को मिले, मिलते हैं ना मिलते, तो ये जो मिलते हैं कि बालक को हम यही खाना खिलाएंगे। अब बालक लालच से आकर भैया खाना मिला स्कूल में हम तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसका भी गलत इफेक्ट पड़ा, बालक किताब कॉपी रखना तो भूल गया और कटोरी चम्मच लाना भूल गया। कटोरी चम्मच भूल ले जाता, वो भेजते होंगे जैसे कि जाओ भैया कटोरी ले जाओ उनको के लिए, तो कभी मंडे को खिचड़ी मिलेगी, ट्यूजडे को दलिया मिलेगा, ये मिलेगा घी मिलेगा, दूध मिलेगा, सेब मिलेंगे, ये वो कुछ भी सब कुछ मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4 महीने तक अच्छा ये प्रक्रिया चली, उसके बाद बालक सिर्फ फोकस किस पर करता था, खाने पर, कैसा खाना मिला, मिला होगा गातार क्योंकि 1 बजे का खाना बंटवा, 12 बजे का खाना बंटवा, लेकिन शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया, नमस्ते मैडम, वर्तमान में नाम जिसका क्या कर दिया, प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब देखो समझना, मिड डे मील लाया बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सपने थे, कहते ना जब भी हमारी जॉब लगेगी तो बड़े सपने करेंगे, लेकिन सपने बाएक चकनाचूर हो जाते एकदम, जैसे टूट जाए एकदम। सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत आपसे पूछी तो 1948 में किसने की, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे जो एक होनहार स्टूडेंट है तो मैं बताया क्या कर कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने सबसे पहले रात्रिकालीन विद्यालय को देखो दोस्तों, इको नाम से भी जाने जा सकता है, सायंकालीन विद्यालय, सायंकालीन विद्यालय, रात्रिकालीन विद्यालय की स्थापना कब किया, किसने शुरुआत की, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। फिर उसके बाद इसका मेन उद्देश्य जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है सीटेट में, छात्रों के दाखिला में वृद्धि करना या नामांकन संख्या में वृद्धि करना। अगर ये पूछे ये कब आया, 15 अगस्त 1995, अब इसका नाम बदल कर पका भोजन दोस्तों कब कर दिया, 2004 में, लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब उसके जस्ट बाद हम एक और बात करते हैं दोस्तों, नहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा, अब उसके जस्ट बाद यहां पर हम पढ़ेंगे यशपाल समथिंग नेक्स्ट। अब यशपाल समथिंग दोस्तों कब आई है, 2009 में आई है, और इसके जो जनक हैं दोस्तों प्रोफेसर यशपाल हैं। प्रोफेसर यशपाल हैं दोस्तों इसके जनक, लेकिन प्रोफेसर यशपाल होने के साथ साथ ही इन्हें दो फॉर्मूले दिए, समझा, दो फॉर्मूले कौन कौन से दिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दिया इन्होंने। अब इनके सूत्र से बात कर लेते हैं हम, इन्होंने दो सूत्र दिए, एक तो शिक्षा बिना बोझ के, और एक कर दिया बस्ते का भार कम करना, बात तो एक ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट सीटेट में कई बार पूछा गया शिक्षा बिना बोझ के किसने बोला है, या बस्ते का भार कम करना किसने बोला है, तो प्रोफेसर यशपाल समथी ने। कई बार कई वीडियो में कमेंट आए कि सर हमने तो यशपाल समथी 1992 पढ़ी है, लेकिन राइट आंसर कब है वो 2009। एक और पढ़ लेते हैं इधर, यहां पर भी
अब यहां पर एक और पढ़ लेते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009। अब आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये लागू कब हुआ है, और कुछ नहीं पूछ रहा सीटेट में। तो ये लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ है। अगर हिंदी में नाम पूछे तो हिंदी में भी लिख देने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 कब आया, 2009 में लागू कब, 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? अब इसका उद्देश्य जो था दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं, इसका उद्देश्य इसने क्या किया था, इन्होंने 6 से 14 वर्ष के बालकों की प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य लागू कर दिया गया। जो वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की जगह बदलकर, अगर दोस्तों ये पूछे वर्तमान में कितनी हो गई है, तो आपको बताना है यहां पर 3 से 18 वर्ष हो गई है। अब इसकी भी कहानी बड़ा इंटरेस्टेड है। ये जो लागू की गई है, सबसे पहले इसकी बात 1911 से उठी थी, गोखले के बिल से। कभी भी अगर आयोग की वीडियो शूट करेंगे अच्छे तरीके से पूरे फुल फॉर्म में, तब थोड़ा पढ़ेंगे। अभी तो हमने आपको आयोग वो मिड डे वो वाले सीटेट वाले पढ़ा दिया। मिड डे मील कब आया, 15 अगस्त 1995 को। शुरुआत कब की, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1948 में, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन से विद्यालय की शुरुआत की, तो रात्रिकालीन सायकालीन विद्यालय की शुरुआत की। मिड डे मील का मेन उद्देश्य क्या था, छात्रों की दाखिला में नामांकन संख्या में वृद्धि करना, क्लियर है। उसके बाद इसका नाम बदलकर पक्का भोजन 2004 में कर दिया। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो मोदी जी ने बिल्कुल अपने नाम से कर दिया। अब कोई नए प्रधानमंत्री, वो अपने नाम से करेंगे, सब अपना अपना करते रहते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2009 में। आपसे ये पूछेगा लागू कब हुआ, सीटेट में मोस्टली आपसे ये पूछा गया राइट टू एजुकेशन 2009 कब लागू किया गया, तो आपको बताना 1 अप्रैल 2010 को। अगर आपसे ये पूछेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब, तो ये भी लिख दे रहे, फिर बाद में कहोगे ये भी ना लिखा। राइट टू एजुकेशन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब लगवा दें, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अभी इनसे ही पूछ लेते हैं, कब लिखवा दें। हर एक स्टूडेंट के सामने लंच बॉक्स रखा है यहाँ पर, जो इतने बैठे बस बिल्कुल पैक है, क्या है, आज सीटर पास करके आएंगे, कब करवा दें। हाँ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब करा दें, अरे लंच इनका देखोगे ना कभी यूट्यूब पर, वार तुमको मिलवाएंगे इनसे, तो एकदम ऐसे 25 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। ये कुछ ना करेंगे सर, ये कायदे डांट खा लेंगे और कुछ ना करेंगे। यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे, अपने आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको। इस पे 25 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किस पे हुए थे, राइट टू एजुकेशन लागू कब हुआ, ये वाला मैंने उद्देश्य किया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन इधर एक और समिति पढ़ेंगे, प्रोफेसर यशपाल समिति। जो यशपाल समिति कब आई है दोस्तों, 2009 में आई है, और इसके जनक कौन है, प्रोफेसर यशपाल है। और इन्होंने दो सूत्र दिए, शिक्षा बिना बोझ के और बस्ते का भार कम करना। ये था दोस्तों आयोग, जो सीटेट में मोस्टली आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इससे पहले मैंने 12 वीडियो शूट कर दिए, 13वीं वाली वीडियो ये, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र, जो मोस्टली सीटेट में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।